कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई, लेकिन अब धीरे धीरे इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। इस समय कोविशील्ड वैक्सीन विवादों में है। हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में दिए गए बयान में माना कि इस वैक्सीन से शरीर के किसी हिस्से में खून जमाने वाला रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। कंपनी ने माना कि कोविशील्ड वैक्सीन रेयर केस में टीटीएस का कारण बन सकती है। कंपनी के कोर्ट में दिए गए इस बयान के बाद से दुनिया भर में सभी देश टेंशन में आ गए हैं। अब इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर भारत में भी चर्चाएं तेज है। भारत में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया था। अब सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से इस मामले में बड़ा बयान सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट के आने की वजह से 2021 में ही कोविशील्ड को बनाना बंद कर दिया गया था। साथ ही कंपनी ने उस समय सप्लाई को भी बंद कर दिया था। कंपनी ने आगे कहा कि उसने साल 2021 में ही खून के थक्के जमने के साथ साथ प्लेटलेट्स कम होने के बारे में लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी थी। आपको बता दें कि हाल ही में एस्ट्राजेनेका कोरोना की वैक्सीन को दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से वापस मंगाने का फैसला किया था। इसे लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वह यूके फार्मा प्रमुख की वैक्सीन को लेकर चल रही चिंताओं को स्वीकार करता है और पूरी तरह से समझता है। भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नाम से ही भारत में वैक्सीन को बनाया था। एस्ट्राजेनेका ने कोविड 19 टीके बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की थी। इन टीकों को भारत में कोविशील्ड और यूरोप में वैक्स जेवरिया के नाम से बेचा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन के टीके को दुनिया भर से मंगाना शुरू कर दिया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि गंभीर साइड इफेक्ट्स को लेकर यह फैसला नहीं किया है, मतलब वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है, क्योंकि अब बाजार में कई सारी दूसरी एडवांस वैक्सीन मौजूद है जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ने में कारगर है। इतना ही नहीं, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई भी बंद कर दी गई है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।